रेकी हीलिंग सिस्टम में एक खास परंपरा है। अगर आप एक रेकी हीलर हैं तो उस परंपरा का पालन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी हीलिंग को बहुत ही प्रभावी बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं उस परंपरा को आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम गासो मेडिटेशन है। मेरा नाम पूरन शर्मा है, मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर, माइंड ट्रेनर, होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ और मैं पिछले 21 सालों से रेकी एंड माइंड पावर सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। पिछले 11 सालों से लोगों को पूरी दुनिया में रेकी एंड माइंड पावर सिखा रहा हूँ। और जब मैं रेकी हीलिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले आपको हाथ जोड़ लेना चाहिए और उस रेकी शक्ति को, रेकी मास्टर को और उस यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। तो जब हम इस तरीके से हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं और एक आभार प्रकट करते हैं, उस प्रक्रिया को ही गासो मेडिटेशन कहते हैं। और इसको आप जितनी देर तक कर सकते हो वो आपके सामर्थ्य के ऊपर होता है। लेकिन जब मैं हीलिंग की बात करता हूँ तो जब भी हीलिंग करो तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हाथ जोड़ के एक बार ज़रूर उस ऊपर वाले को, उस शक्ति को, उस मास्टर को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। और हाथ जोड़ने की प्रक्रिया जो हो वो ये ऐसे ही होता है, इसको आप नमस्ते मुद्रा भी कह सकते हैं। और वो नमस्ते की मुद्रा आपने अपने छाती के बीच में हृदय चक्र के सामने बनाना है। जब ये हाथ जुड़ेंगे तो हाथ पूरी तरह से चिपके नहीं होते हैं, हाथ थोड़ा सा सॉफ्टली अगर आप टच करेंगे तो हल्का सा ऐसे कप शेप में होगा। वैसे ही जैसे आप अपनी हीलिंग करते हैं तो हल्का सा मोड़ के रखते हैं कप शेप में, ऐसे ही जब ये गासो मेडिटेशन करेंगे तो दोनों हाथों को जब छाती के बीच में रोका जाएगा, वहाँ जोड़ा जाएगा, तो ये हल्के से कप शेप में होना चाहिए। और जब ये दोनों हाथ यहाँ हृदय चक्र के सामने जुड़ता है, और चूंकि आपको पता है कि जब आप हीलिंग करते हैं तो आपके हृदय में अपने प्रति भी प्रेम भाव होना चाहिए, दूसरों के प्रति भी प्रेम भाव होना चाहिए, वो कंपैशन की एक फीलिंग होनी चाहिए। इसीलिए जब आप दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र के सामने जोड़ते हैं, आँख बंद करते हैं, चेहरे पर एक खूबसूरत से स्माइल हो, आभार प्रकट करने का एक भाव हो, उस ब्रह्मांड के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, उस गुरु के प्रति और उस दिव्य शक्ति रेकी के प्रति, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी क्रिएट होने लगती है और यही एनर्जी आपके रेकी हीलिंग को प्रभावी बना देता है। मैं हीलिंग से पहले ये भी कहता हूँ कि आप रेकी के सिद्धांतों को दोहराइए। ऐसा करने से आपके अंदर की एनर्जी चेंज होने लगती है। रेकी के सिद्धांत तो आप जानते ही होंगे, जब आप दोनों हाथों को जोड़े, सबको आप थैंक यू कह रहे हो, तो उस समय आप 5 सिद्धांतों को भी दोहराएं कि सिर्फ आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूंगा, सिर्फ आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा, सिर्फ आज के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, सिर्फ आज के लिए मैं सबके साथ अच्छे से व्यवहार करूंगा, सिर्फ आज के लिए मैं हर छोटी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए जो ऊपर वाले ने मुझे प्रदान की है उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू कहूँगा। तो जब ये 5 सिद्धांत आप दोहराते हैं और हाथों को ऐसे अपने हृदय चक्र के पास जोड़े रहते हैं तो आपकी एक अलग एनर्जी सर्किट बनने लगता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जब एक जगह मिलते हैं तो वहाँ पे एक एनर्जी का सर्किट बनने लगता है। लेफ्ट हैंड एक्चुअली लेने वाला हाथ होता है जहाँ से आप पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी रिसीव करते हैं। दूसरी तरफ राइट हैंड है वो गिविंग हैंड होता है जहाँ से आप वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। हालांकि हम दोनों हाथों से हीलिंग करते हैं लेकिन ये दोनों का इस तरीके से आदान प्रदान होता है दोनों हाथों में, इसीलिए जब दोनों हाथों को ऐसे आप जोड़ते हैं तो अंदर एक अलग एनर्जी बनने लगता है। दोनों हाथों को जोड़ने से आपके अंदर का शिव और
शक्ति दोनों का मिलना हो जाता है और इससे आपके अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी बनती है और आपके चारों तरफ एक आभामंडल क्रिएट होता है, एक सुरक्षा कवच बनने लगता है और आप पहले से बेहतर बनते हैं, आपके अंदर की एनर्जी चेंज होने लगती है। इसीलिए अपने हीलिंग से पहले, दूसरों की हीलिंग से पहले छोटा सा गासो मेडिटेशन कर लेना चाहिए, जिसमें सिर्फ आप संकल्प करें, सभी को थैंक यू कहें, रेकी के सिद्धांतों को दोहराएं और हो सके तो कुछ देर तक इसी भाव से बैठें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर रखें। आपका हाथ बहुत ही सॉफ्टली टच होना चाहिए। आपके जो अंगूठे हैं, दोनों अंगूठे आपके छाती के बीच में होना चाहिए और अपना ध्यान अपने उंगलियों में, आपके हाथों के बीच में रखें। हाथों के पाम के बीच में जब आपका ध्यान रहेगा तो आपको वहाँ पे हल्की सी गर्माहट महसूस होगी, एनर्जी का मूवमेंट आपको फील होने लगेगा। आप ध्यान लगाने की कोशिश करें। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटके तो आप धीरे से अपने दोनों हाथों को जहां आपने जोड़ रखा है, बीच वाली जो उंगली है लंबी वाली, उसको हल्का सा ऐसे प्रेस करें तो आपका ध्यान वापस आ जाएगा। ऐसे ही जब जब भी आपका ध्यान भटके, अपने मिडिल वाले फिंगर को ऐसे हल्का सा दबा दें और अपना ध्यान वापस इसी नमस्ते की मुद्रा में, गासो मेडिटेशन में लेके आएँ। जब आपके हाथ इस तरह से जुड़ा हो, सारी एनर्जी अंदर बन रही हो, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, तो चेहरे पर एक स्माइल लेके आएं, एक मुस्कुराहट लेके आएं। मन में भाव करें कि अब मैं अपनी हीलिंग करने जा रहा हूँ तो मैं अब बहुत ही बढ़िया तरीके से हीलिंग कर पाऊँगा और मेरी हीलिंग करने से मेरे सारे नेगेटिव एनर्जी दूर भागेगी, कार्मिक ब्लॉकेजेस दूर होंगे, मेरे चक्र बैलेंस होंगे, माइंड बैलेंस होगा और मैं अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाऊंगा। जब मैं दूसरों की हीलिंग करूंगा तो उनकी भी दर्द, बीमारी, तकलीफ दूर होने लगेगी, उनको भी पॉजिटिविटी मिलेगी, उनका भी कार्मिक ब्लॉकेजेस दूर होगा। हे ईश्वर, हे मेरे गुरु, हे दिव्य शक्ति, मुझे इस लायक समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक माध्यम बनाने के लिए धन्यवाद, ताकि मैं अपनी भी हीलिंग कर सकूं और दूसरों की भी हीलिंग कर सकूं। ऐसे ही एक संकल्प करें, एक भाव करें, अपना पूरा ध्यान अपने हाथों में ही रखें, जुड़े हुए हाथ, आपका पूरा ध्यान पाम के सेंटर में रखें, जहां पे आपने हल्के से दोनों हाथों को जोड़ रखा है। और जब आपको बहुत अच्छा महसूस हो, चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेके आए और दिल से थैंक यू बोलते रहें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये इस तरीके से ये गासो मेडिटेशन आप 1 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इससे ज़्यादा भी बढ़ाकर अवधि को 15 से 20 मिनट कर सकते हैं। और इस दौरान अगर आप चाहें तो ओम की चैंटिंग भी कर सकते हैं। जब आपने ये सारा प्रक्रिया कर लिया, थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, आप ओम की ध्वनि का उच्चारण करना शुरू कर सकते हैं। इससे भी आपकी एक बहुत अच्छी एनर्जी बनती है और आपकी हीलिंग बहुत प्रभावशाली बनती है। तो ये आप चाहें तो हीलिंग से पहले जब भी आपका मन हो करें, या फिर आप इसे सुबह अलग से बैठ के ये गासो मेडिटेशन करें। डॉक्टर मकाओ सुई ने इसको अपने शिष्यों के लिए अनिवार्य कर दिया था कि वो इसे ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। मैं अपने स्टूडेंट्स से भी कहता हूँ कि जब भी आप हीलिंग करें, अपनी या दूसरों की, हाथ जोड़ के एक बार ईश्वर को, उस गुरु को और दिव्य शक्ति रेकी को धन्यवाद जरूर करें। तो आपका हाथ ऐसे जुड़ा हो छाती के बीच में, आंख बंद करें और कुछ देर तक ध्यान करके थैंक यू बोलें, रेकी के 5 सिद्धांतों को दोहराएं और हो सके तो कुछ देर तक एकदम चुपचाप आराम से अपने हाथों के बीच की एनर्जी को ध्यान में लाते हुए चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाके अच्छे भाव से बैठे रहें। और जब आपको लगे कि बहुत देर हो गई और आपकी एनर्जी क्रिएट हो गई है, थैंक यू आपने बोल दिया है, तब आप अपनी हीलिंग करें, दूसरों की हीलिंग करें, या फिर
काम पे चले। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको ये ग्यासो मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की सलाह दूंगा, जो भी हीलर है जरूर से जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू।